निगम तुहर द्वार शिविर में किरायादार बेघर परिवार आवास के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। निगम के मुख्य कार्यालय ने आवेदन फॉर्म विक्रय करने बंद कर दिए हैं। निगम तुहर द्वार गोट के शिविर में किरायेदार बेघर परिवार आवास के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आवास घटक अंतर्गत स्लम क्षेत्र में किरायेदार ई के रूप में निवासरत किरायेदार बेघर परिवारों को आवास आवंटन के लिए मुख्य कार्यालय के प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य काउंटर से आवेदन पत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि 31 मई थी। मुख्य कार्यालय से आवेदन पत्र विक्रय करना बंद कर दिया गया है, लेकिन निगम तुहर द्वार अंतर्गत महापौर संघ गोट कार्यक्रम के शिविर में वार्डों में निवासरत किरायेदार बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्य कार्यालय में आवेदन पत्र विक्रय नहीं किया जा रहा है। वार्डों में लगने वाले शिविर में आवेदन का शुल्क 100 रुपए भुगतान कर आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। पूर्णतः भरे हुए दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। इस तिथि तक आवेदन पत्र निगम मुख्य कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। महापौर जी द्वारा निगम के विभिन्न वार्डों के निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम तुहर द्वार महापौर संघ गोट बात शुरू किए हैं। ये लगभग सभी 70 वार्डों में इसका आयोजन होना है। महापौर जी खुद वहाँ पर उपस्थित होकर जन समस्याओं का निराकरण के लिए वहाँ के नागरिकों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानते हैं और स्थल पर ही जो समस्याएं निराकरण हो सकती हैं उनके बारे में निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को। इसी तारतम्य में महापौर जी के गोट बात के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के भी फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं, जो 100 रुपये देकर जो किरायेदार में निवासरत हैं भिलाई निगम क्षेत्र में वो प्राप्त कर सकते हैं, उसको आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा कर सकते हैं जोन कार्यालय में। आवेदन पत्र लेने से वंचित किरायेदार में निवासरत लोगों के लिए यह सुविधा निगम प्रशासन द्वारा प्रदान की गई है। आवेदन पत्र लेने से वंचित रहवासी इसका लाभ उठा सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट।